नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप जहां पर भी रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई तरह की जानकारी लेकर के आया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे जायफल के फायदों के बारे में। अक्सर आपने जाना होगा कि जायफल जो होता है वो औषधियों में प्रयोग किया जाता है या फिर मसालों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आम तौर पर पान में डाल करके भी खाया जाता है। जायफल एक ऐसा जड़ी बूटी है जो कमर दर्द, सिर दर्द, सर्दी, खांसी, टीबी, सांस का फूलना, भूख न लगना या फिर लकवा जैसी बीमारियों को ठीक करता है। अगर आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं तो छालों को ठीक करने का काम करता है। चेहरे पर झाइयाँ पड़ गई हैं तो चेहरे के झाइयों को दूर करके चेहरे को गोरा बना देता है। तो आज हम आपको इसके कुछ चमत्कारी फायदों के बारे में जानकारियां देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो सबसे पहले फायदे की बात करें तो दोस्तों, यदि आपके मुँह में छाले पड़ गए हैं तो यह छालों को दूर करने का भी सबसे अच्छा उपाय है। क्या करें, जायफल को आप ले लीजिए, इसे पानी में घिस करके मुंह के छालों पर लगाते हैं तो छाले धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ पड़ गई है तो जायफल को पानी में घोल करके या फिर घिस करके चेहरे पर इसको एक लेप की तरह लगाते हैं तो चेहरे से झाइयाँ हट जाती है। अगर आपके सर में बार बार तेज तेज दर्द होता है तो दोस्तों, जायफल को पानी में घिस करके सर पर लेप लगाने से सर का दर्द भी ठीक हो जाता है। सर्दी, खांसी, टीबी, सांस का फूलना, भूख न लगना, इन सभी बीमारियों के लिए आप 500 मिलीग्राम जायफल के चूर्ण को शुद्ध शहद मिलाकर सेवन करते हैं तो सर्दी, खांसी, सांस का फूलना, भूख न लगना ठीक होता है। अगर किसी को लकवा की समस्या हो गई है तो दोस्तों, जायफल को मुंह में रख करके चूसने से लकवा रोग में लाभ होता है। दोस्तों, जायफल में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की मात्रा होती है। साथ साथ इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल के अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो आपके जोड़ों के दर्द या सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। तो यदि आपको कमर दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है तो दोस्तों, जायफल को पानी में घिस करके कमर पर, घुटनों पर लेप करते हैं तो इससे कमर दर्द व घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। इसके साथ साथ आप चाहें तो आप इसे एक औषधि के तरह प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल में लहसुन की कली को डाल करके आप चाहें तो इसमें जायफल को डाल करके अच्छे से गर्म करके और इस तेल को ठंडा करके कमर दर्द, घुटनों के दर्द पर मालिश करते हैं तो इससे दर्द से निजात मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे जायफल से जुड़ा हुआ कुछ चमत्कारी फायदा बताया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।